राष्ट्रीय उद्यान पर शुरू हो रही धेआईएस की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी इस सीरीज में हम आपको भारत के हर उस राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य से परिचित कराएंगे जो आपके लिए परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है व पिछले कुछ समय से चर्चा में रहे हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं परिचय पर। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जहां वनस्पतियों और जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इन संरक्षित क्षेत्रों में मानव गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। हालांकि वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत दी गई विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत राज्य का चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन कुछ गतिविधियों की अनुमति प्रदान कर सकता है। हमारे आज के इस वीडियो में हम उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित दचिघम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान व हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। दचिघम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। यह उद्यान वन्य जीवों की तमाम प्रजातियों को आश्रय देता है। दचिघम का अर्थ होता है 10 गांव, और ये 10 गांव इस उद्यान की रेंज यानी सीमा के अंदर आते हैं। दचिघम राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी हिमालय की जबरवा श्रेणी में स्थित है। वैसे तो इस राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, परंतु यह उद्यान इससे कहीं पहले से संरक्षण प्राप्त करता आया है। सबसे पहले 1910 में कश्मीर के महाराजा ने इसे संरक्षण प्रदान किया था। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे इस उद्यान में खड़ी ढलाने और फिसलन भरी चट्टानें हैं। इस उद्यान का अधिकांश हिस्सा शंकुधार पेड़ों यानी कोनीफेरस फॉरेस्ट से ढका हुआ है, जिनके बीच अल्पाइन चारागाह व घास के मैदान मौजूद हैं। इस उद्यान के अंदर ही भरसार झील भी स्थित है, जहां से दगवान नदी बहती है। अगर जीव जंतुओं की बात करें तो यह उद्यान पूरे भारत में हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। यही हंगुल जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है। दरअसल हंगुल एक प्रकार का कश्मीरी हिरण है, जो भारत में पाई जाने वाली लाल हिरण यानी रेड डीर की एकमात्र प्रजाति है। IUCN की रेड डेटा बुक में हंगुल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी घोर संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। हंगुल के अलावा 2 और हिरण की प्रजातियां जो कश्मीर में पाई जाती हैं, उन्हें भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है, जिनमें एक है भरखोर और दूसरी है चीरू। हंगुल के अलावा दचिघम राष्ट्रीय उद्यान में कस्तूरी हिरण, तेंदुए, हिमालयी भालू आदि भी पाए जाते हैं। वनस्पतियों में यहां पर वाइल्ड चेरी, नाशपाती, बेर, पीच, खुमानी, सेब, अखरोट, चिनार, पाइन आदि के पेड़ पाए जाते हैं। टेक्स्टबुक ब्रिंग्स यू वंस इन अ लाइफटाइम सेल, नाउ प्रिपेयर। पाइन आदि के पेड़ पाए जाते हैं। इसी कड़ी में अगला नाम आता है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान का। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हिमालय के मध्य क्रिस्टलीय बेल्ट में स्थित है तथा ग्रेनाइट और नीस से बनी चट्टानों से घिरा हुआ है। वर्ष 1991 में राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर स्थापित इस उद्यान की भौगोलिक विशेषता अपने आप में अनोखी है। दरअसल किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान उत्तर में रिनॉय नदी, दक्षिण में किवरनाला, पूर्व में ग्रेट हिमालय और पश्चिम में मारवा नदी से घिरा है। गौरतलब है कि यही मारवा नदी आगे जाकर चेनाब नदी में मिलती है। जहां तक वनस्पतियों की बात है तो यह उद्यान विविध प्रकार के फूलों के साथ साथ औषधीय पेड़ पौधों का भंडार है। इसके अलावा यहाँ के जीव जंतुओं में मुख्यतया हिमालयी काले व भूरे भालू शामिल हैं। IUCN की रेड डेटा लिस्ट में हिमालयन भूरे भालू को घोर संकटग्रस्त या क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। इसी कड़ी में अगला नाम आता है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान का।
सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्ष 1986 में इस उद्यान का नाम आधिकारिक तौर पर भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली के नाम पर रखा गया, जो कि बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। यह उद्यान मुख्यतया विभिन्न प्रजातियों के दुर्लभ पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, परंतु यहां अन्य प्रमुख जंतु भी देखने को मिलते हैं। IUCN की रेड डेटा लिस्ट में यहां पाए जाने वाले हिमालयन स्नो कॉक को संकट मुक्त या लीस्ट कंसर्न तथा शेरों को असुरक्षित यानी वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। इस कड़ी में अगला नाम आता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का। हिमालय के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से घिरा यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पूर्वी भाग में स्थित है। अगर मुख्य तथ्यों पर ध्यान दें तो यह उद्यान भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला तथा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। यही वजह है कि इसे हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान न केवल भारत का बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा उद्यान है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो यह भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हिमालय के उत्तर में स्थित है। यही कारण है कि यहां बारिश भी कम होती है। उद्यान के उत्तर में बहती सिंधु नदी तथा दक्षिण में फैली जस्कर श्रृंखला यहां के भौगोलिक महत्व को और बढ़ा देती है। इसके अलावा मरखा, समुदाह और रुम्बक इस उद्यान के अंतर्गत आने वाली प्रमुख जलराशियां हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी सांस्कृतिक कड़ियों पर अगर प्रकाश डालें तो इस उद्यान का नाम लद्दाख में ही स्थित विश्व प्रसिद्ध बौद्ध मठ हेमिस गोम्पा के नाम पर रखा गया है। यहां पाए जाने वाले वन्य जीवों में मुख्यतया हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड शामिल है। हिम तेंदुए की अधिक संख्या होने के कारण यह उद्यान विश्व भर में हिम तेंदुए की राजधानी यानी कि स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी प्रसिद्ध है। हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए इसे विभिन्न प्रकार की सूचियों में रखा गया है, जैसे IUCN की रेड डेटा लिस्ट में संकट ग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड साइट्स के परिशिष्ट वन में तथा कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स यानी CMS के भी परिशिष्ट वन में हिम तेंदुए को शामिल किया गया है। इसके अलावा हिम तेंदुए के शिकार को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत पूर्णतः प्रतिबंधित किया जा चुका है।